पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा बसपा के गठबंधन पर बोलते हुए अमर सिंह सागर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुसूचित जाति भाजपा उत्तर प्रदेश ने बात करते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचारियों की दोस्ती है और बसपा सुप्रीम ने सिर्फ दलितों को छला है और वहां पर टिकट बेचने का काम किया जाता है, इसलिए दलित समाज भाजपा के अलावा अन्य किसी पर भरोसा नहीं जताएगा, क्योंकि जो काम मोदी जी ने किया है वो किसी अन्य ने नहीं किया, इसलिए 2019 में भाजपा ही सरकार बनाएगी। देखिए बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश जी में बहुत अंतर है। बहन कुमारी मायावती जी अवसरवादी हैं और टिकट जो है वो बगैर पैसे के नहीं मिलता, और बगैर पैसे के टिकट नहीं मिलता इसलिए अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एससी एसटी आज भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि उन्होंने जो एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया है उससे दलित समाज पूरा भाजपा से जुड़ा हुआ है। 5 लाख का एक बीमा दलित के लिए कोई भी आदमी करा सकता है, गरीब आदमी कोई भी 5 लाख का बीमा है मेडिकल क्लेम के लिए, जो कहीं भी बीमार हो वो जा सकता है सीधा, तो फ्री है वो, आज तक ही सरकार ने नहीं किया। हर गरीब को मकान, शौचालय, सारे गांवों में शौचालय बनवा दिए गए हैं गरीबों के लिए, जो कि लोग जंगलों में जाते थे। इस चीज़ को देख विकास को देखा जाता है, और आप देखिएगा कि शौचालय के बावजूद जो आज तक हजारों गांव ऐसे थे जिनमें बिजली, जब से देश आजाद हुआ बिजली नहीं जा पा रही थी, माननीय मोदी जी ने बिजली पहुँचाई है, कनेक्शन फ्री दिया गया गरीबों को, तो इतना तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान का नाम माननीय मोदी जी ने मशहूर किया है। आज हिंदुस्तान से पूरा वर्ल्ड डरता है, पाकिस्तान भी खप ज़्यादा है, सारे देश मोदी जी से डरते हैं, और हमारे मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया अपने हिंदुस्तान का। तो मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी ये गठबंधन ने अवसरवादी हैं सब भ्रष्ट हैं, इसमें कोई भी ईमानदार नहीं है। माननीय मोदी जी के ऊपर कोई आज तक उंगली नहीं उठा सकता कि वो बेईमान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार, एक झोले वाले फकीर हैं, वैसे ही झोले वाले फकीर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको तो कुछ करने नहीं, देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जीना उन्हें। और आने वाले 2019 में पुनः हमारी 294-95 सीटें आएंगी, प्लस आएंगे 295-94 से, नीचे नहीं रहेंगे, ये हमारा वायदा है। और दलित समाज आज भी माननीय मोदी जी के साथ है और रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया। वो खुद एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो वो जानते हैं गरीबी कैसे होती है। जिस आदमी ने चाय बेची हो वो गरीबी को जानता है कि किस तरीके से गरीब आदमी जीता है, गरीब आदमी को क्या सुविधा चाहिए, वो सारी सुविधा माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी को और दलितों को दी है। इसलिए दलित समाज की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दलित समाज आज भी माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा दलितों को छला है, उनके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे दलित मायावती के साथ जुड़ सके। अब दलित अपनी अहमियत समझ चुका है कि हमें कहाँ वोट देना है, कहाँ जाना है, किसी के बहकावे में दलित आने वाला नहीं है।